वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है वैक्यूटेनर्स, कलर्स ऑफ वैक्यूटेनर्स और वैक्यूटेनर्स को कैसे यूज करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कलर कोड ऑफ वैक्यूटेनर्स। जब लेबोरेटरी के अंदर आप काम करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने बात करते हैं अपन सैंपल कलेक्शन कंटेनर और वाइल्स के बारे में। तो बात करेंगे अपन EDTA वाइल या EDTA ट्यूब। तो EDTA जो ट्यूब होती है इसके अंदर क्या होता है, EDTA इसके अंदर होता है। EDTA का मतलब होता है इथाइलीन डाई एमिनी टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, कैल्शियम से बाइंड हो जाता है, इसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होता है। बात करें अपन तो इसको किसके लिए यूज करते हैं अपन, जो पर्पल कलर की वाइल होती है इसका जो कलर कौन सा है, पर्पल कलर या लेवेंडर कलर होता है, इसको यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं अपन, RBC के लिए, WBC के लिए, टोटल डिफरेंशिएट प्लेटलेट काउंट के लिए, या फिर HbA1c ये डायबिटीज़ का इन्वेस्टिगेशन है, या फिर हीमोग्लोबिन चेकअप के लिए, या फिर ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन मॉनिटरिंग के लिए, पैराथायरॉयड हार्मोन PTA, मलेरिया पैरासाइट, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो ये जितने भी टेस्ट हैं इन टेस्टों को करना है। तो हम जो भी सैंपल लेंगे वो कौन से कलर वाली वाइल में लेंगे अपन, EDTA वाइल, और उसका कलर होता है या तो पर्पल या लेवेंडर कलर। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट वाइल की, नेक्स्ट वाइल की अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट वाली वाइल है ब्लू कलर की। ठीक है, जो ब्लू कलर की वाइल होती है इसके अंदर क्या होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट इन लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है, यह है ट्राइसोडियम सिट्रेट। इसके यूजेज क्या है, PTINR के लिए यूज करते हैं अपन, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के लिए, डी डाइमर फॉर DVT के लिए। तो आप अगर हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं तो अगर आपको सैंपल लेना है किसका, PTINR, APTT या फिर डी डाइमर का आपको सैंपल लेना है, तो कौन सी वाइल यूज करेंगे अपन, ब्लू कलर की वाइल हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वाइल के अपन चलते हैं अपन येलो कलर की वाइल। ठीक है, जो येलो कलर की वाइल है आपको ऐसे दिखाई देगी, येलो कलर की, दिस ट्यूब इज नोन एज SST। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कभी कि येलो कलर की ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है क्या है, SST ट्यूब। इसका फुल फॉर्म क्या है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। ठीक है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, इट कंटेंट टू एजेंट, इसके अंदर दो एजेंट होते हैं, एक तो होता है सिलिका, दूसरा होता है क्या है, सिलिका एंड सीरम सेपरेटिंग जेल। ठीक है, सीरम सेपरेटिंग जेल, दो एजेंट से मिलकर बनी होती है ये ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो इस ट्यूब का उपयोग हम हॉस्पिटल के अंदर किसके लिए करते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए भी हम इस वाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लीवर फंक्शन के लिए भी हम इस जो येलो कलर की वाइल है उसका यूज किसके लिए करते हैं हम, जैसे SGPT, SGOT या सीरम प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बोन प्रोफाइल इंक्लूड फॉस्फेट, जैसे बोन प्रोफाइल अगर हम चेक कर रहे हैं तो फॉस्फेट के लिए भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, यानी इस टेस्ट ट्यूब को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आयरन स्टडीज़, जैसे आयरन का अगर आपको आयरन की स्टडीज़ करना है तो सीरम फेरेटिन या ट्रांसफेरेटिन, अगर आयरन बॉडी के अंदर आयरन कितना है, तो हम जो भी सैंपल लेंगे वो सैंपल हम किस कलर वाली ट्यूब में लेंगे, येलो कलर वाली ट्यूब में, या थायरॉयड फंक्शन। ठीक है, जैसे T3, TSH,
T4। इसका भी अगर हमें सैंपल लेना तो कौन सी वाली में लेंगे अपन, येलो कलर वाली के अंदर हम लेंगे। नेक्स्ट विटामिन B12, अगर आपको विटामिन B12 की जांच करनी है तो उसका भी सैंपल कौन सी में लेंगे अपन, येलो कलर वाली में। ट्रोपोनिन की जांच करनी है तो उसके लिए भी हम येलो कलर वाली में लेंगे। क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम फॉर MI, अगर MI के लिए क्रिएटिनिन काइनेज हम यूज कर रहे हैं, क्रिएटिनिन काइनेज की हम जांच करें तो उसके लिए भी हम येलो कलर की वाइल को यूज करना है। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी के लिए हमें यूज करते हैं एक्सेप्ट ब्लड शुगर, ठीक है, जो ब्लड शुगर होती है उसका एक्सेप्ट। इसके अलावा हम जैसे कि बीटा HCG के लिए करते हैं कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन या सेक्स हार्मोन, इनके लिए कौन से कलर की ट्यूब यूज करते हैं अपन, येलो कलर की। ट्यूमर मार्कर, जैसे ट्यूमर मार्कर PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हो गया, ठीक है, या कैंसर एंटीजन 125, यानी कि ये ओवरी के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी ट्यूमर मार्कर है उनके अगर ट्यूमर मार्किंग के लिए आपको सैंपल निकालना है तो उस सैंपल को कौन सी वाइल में लेंगे अपन, उस सैंपल को अपन लेंगे येलो कलर की वाइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन ग्रीन वाइल, इसको बहुत कम यूज करते हैं, ऐसे ग्रीन कलर की वाइल होती है, इसका यूज होता है अमोनिया या फिर इंसुलिन की जांच करना, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रेनिन और एल्डोस्टेरोन टेस्ट के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, कौन सी ग्रीन वाइल को। मोस्टली रेयरली यूज करते हैं इस वाइल को, लेकिन अगर इस वाइल का भी यूज करना है तो किसके किसके लिए यूज करते हैं, इस वाइल में सैंपल किस किस के लिए कलेक्ट कर सकते हैं अपन, अमोनिया के लिए, अगर अमोनिया की जांच हो तो उसके लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। इंसुलिन की जांच करना है तो इंसुलिन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन के लिए हम इसमें सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, तो हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, ये BHU के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है सोडियम फ्लोराइड। और जो ग्रे कलर की जो वाइल होती है इसको हम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, जनरल रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, यानी कि हम ब्लड शुगर के लिए इसको यूज करते हैं। जो आपको ग्रे कलर की वाइल दिखाई देगी, इस ग्रे कलर की वाइल को हम ब्लड शुगर को टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपको किसी को ब्लड शुगर लेना है तो उसके लिए अगर सैंपल लेना है तो आप कौन सी वाइल को यूज करेंगे, ग्रे कलर की वाइल को यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करें अपन रेड कलर की वाइल, तो रेड कलर वाइल की अगर बात करें तो रेड कलर की जो वाइल होती है ये आपको ऐसी दिखाई देगी, इसे प्लेन वाइल का नाम भी दिया जाता है, प्लेन वाइल, यानी कि इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, ये एकदम प्लेन होती है, स्टराइल वाइल होती है। इसको किसके लिए यूज करते हैं अपन, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, जैसे लिपिड प्रोफाइल है उसके लिए यूज करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ब्लड, ठीक है, जो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ इन ब्लड, जैसे कि कोई भी ड्रग है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू को आपको चेक करना है, तो ब्लड सैंपल अगर कलेक्ट करना है तो किसमें करेंगे अपन, रेड कलर की वाइल के अंदर सैंपल को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करें अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जैसे कि मान लो कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, तो वैसे कंडीशन में अगर हम सी रिएक्टिव प्रोटीन की हमें टेस्ट करना है तो भी हमें रेड कलर की वाइल के अंदर हमें ब्लड का सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, बात करें पर रीनल फंक्शन टेस्ट की, तो रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए भी हम रेड कलर की वाइल के अंदर सैंपल को कलेक्ट करते हैं। रूमेटिक फैक्टर, अगर रूमेटिक फैक्टर की जांच करनी है तो हम किसके अंदर करते हैं, रेड कलर की जो वाइल होती है उसी के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि HIV, HCV, HBS, AG, ठीक है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इन सबके जांच के लिए भी हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो रेड कलर वाली वाइल के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन ब्लड बैंक टेस्टिंग क्रॉस मैचिंग, अगर क्रॉस मैचिंग के अंदर हम ब्लड बैंक के लिए हम भेज रहे हैं तो उसके लिए भी हम कौन सी वाइल में कलेक्ट करेंगे, रेड कलर की वाइल के अंदर कलेक्ट करेंगे।
ड्रग लेवल, जैसे ड्रग लेवल अगर चेक करना है तो पैरासिटामोल या फेनेटोइन का इनका अगर आप ड्रग लेवल चेक करना है तो भी आपको सैंपल रेड कलर की वाइल के अंदर ही कलेक्ट करना है। थैंक यू दोस्तों।